असल में हम कितने। तो अगर इस पे ना एक मैं आपको एक और छोटी सी कहानी बताती हूँ, जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे उसके पहले। बहुत साल पहले एक डॉक्टर एडवर्ड बैच करके होते थे लंदन में। तो वो एक पूरे के पूरे मेडिकल डॉक्टर थे। फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब हॉस्पिटल में काम करते हैं 5 जन 7 जन 8 जन जिनको मलेरिया होता है। तो अभी मलेरिया तो एक पैरासाइट के कारण हुआ, तो मलेरिया होना चाहिए, बुखार होना चाहिए, दवाई ली ठीक हो जाने चाहिए। क्यों, किसी को तो 5 दिन लगते हैं, किसी को 10 दिन लगते हैं ठीक होने में, किसी कोई तो बहुत जल्दी ठीक होता है, कोई ठीक ही नहीं होता, उसके ब्रेन में चला जाता है, बुखार नहीं उतरती, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर कोई ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, कोई ज्यादा दर्द में रह रहा है, ऐसा क्यों? तो उन्हें लगा कुछ तो ऐसा एक एस्पेक्ट है जो हमको पता नहीं चल रहा है इसके बारे में। फिर उन्होंने पूरी की पूरी होम्योपैथी की पढ़ाई कर डाली। जब उन्होंने पूरी होम्योपैथी पढ़ी, फिर उनको लगा नहीं, अभी भी इलाज पूरा नहीं हो पा रहा है। तो वो, और फिर उनके घर के काफी लोग गुजर गए कोई कोई बीमारी से, और उनको लगा क्या फायदा मेरी ऐसी पढ़ाई का अगर मैं इनकी मदद ही नहीं कर सकता। तो उसके बाद वो लंदन में कंट्री साइड चले गए और वहीं पे काफी मायूस से होके रहने लगे कि भाई तो कुछ है नहीं, कुछ तो ऐसी गुत्थी है जो सुलझानी जरूरी है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो फिर वो वहां गए, उन्हें लगा कि नहीं कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे कि सच में हम लोगों को हील कर पाए, सच में लोगों को स्वस्थ बना पाए। फिर उन्हें ये बैच फ्लावर रेमेडी करके बोलते हैं, उनके नाम के ऊपर ये बैच है, जिसका उन्हें ज्ञान हुआ। तो उन्हें पता चला हर शारीरिक कष्ट जो है वो कोई एक मन में हमारे या मानसिक स्थिति में हमारे कुछ तो होता है जिसका असर हमारी शारीरिक, हमें शारीरिक स्तर पर पड़ता है। फिर उसका उन्होंने एक 38 फ्लावर्स का, अलग अलग फूलों का तत्व बना के उसकी रेमेडीज बनाई। और फिर उससे देखा गया कि लोगों की, वो लेते थे और उससे लोगों की शारीरिक कष्ट भी दूर होने लगे। तो जो हम स्वास्थ्य की बात करते हैं ना, कितनी जल्दी हम वापस अपने नेचर में आ सके ये बताता है हम कितने स्वस्थ हैं। बीमारी किसी को भी हो सकती है, कष्ट किसी को भी आ सकता है, पर कितनी जल्दी हम वापस हेल्थ में आ जाते हैं ये बताता है हम कितने स्वस्थ हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, हम ऐसी छोटी 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 कुछ टेक्निक्स कुछ देखेंगे जो अगर हम रोज करते हैं तो हमारी जो शक्ति है वापस अपने हेल्थ में आने की वो बढ़ेगी। कुछ हो गया तो हम जल्दी आ सकते हैं वापस हेल्थ की तरफ, और कुछ हो ही ना उसको भी ये काफी हद तक गारंटी करता है ना? देखा है कुछ लोग बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं कोई चीज से, या कुछ थोड़ा सा हुआ, कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा मायूसी हो जाती है, या बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे कुछ लोग, या फिर बहुत दर्द में चले जाते हैं, या डर में चले जाते हैं। अलग अलग चीजें होती है और अलग अलग ट्रिगर होते हैं। फिर उस समय जब मन ठीक नहीं है, जब शरीर ठीक नहीं है, कोई कुछ बोलता है तो कोई काम में मन नहीं लगता, फिर कुछ करने को मन नहीं करता। तो आज हम ऐसी टेक्निक्स देखेंगे जिससे हम वापस अपने हेल्थ को कितनी जल्दी आ सकते हैं ये बढ़ जाएगा। ये जो हमारा रिएक्शन टाइम है ये थोड़ा सा स्लो आउट हो जाएगा, और एंड कमिंग बैक, गेटिंग बैक टू हेल्थ जो बोलते हैं, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटी सी टेक्निक करते हैं, फिर और हम बातें करेंगे। हाँ, एक फिर आप भी बातें करेगा, मैं ही नहीं बोलती रहूंगी, फिर हम टू वे कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो पहला एक करते हैं, ये है 2 मिनट्स की एक स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक है। हाँ, तो ये कैसे करते हैं आप समझ लीजिए। जो आपका ये सर है ना, हमारा फोरहेड, ये तो है एक गाड़ी की विंडशील्ड जैसा, और हमारे हाथ है वाइपर। वाइपर देखें कैसे चलता है गाड़ी पे, बारिश होती है तो गाड़ी के वाइपर चलाते हैं ना, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाता है। है ना, देखा है ना हमने वाइपर कभी। तो अभी ये विंडशील्ड है और हमारी उंगलियां हैं वाइपर। तो क्या करना है, हाथ को बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे ले जाएंगे। आप एक बार देख लीजिए, फिर हम सब साथ में ये करेंगे, मैं आपको गाइड करूंगी कैसे करना है, और आंख बंद करके करेंगे। आंख बंद करके इसका फायदा और ज्यादा होता है। तो अभी एक बार पहले देख लीजिए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाथ को ले जाएंगे। ठीक है, ये हम करेंगे 8 से 10 बार। उसके बाद क्या करेंगे, सर को जैसे खोलते हैं, तो कैसे करेंगे, जैसे कोई डब्बे को या कोई चीज को ऐसे खोल रहे हैं, तो हाथों से
यहां से पूरा गर्दन की ओर जाना है। बाल थोड़े खराब होंगे, उसकी चिंता न करें। पीछे तक, सामने से पीछे खोलेंगे, थोड़ा ऐसा प्रेशर लगा रहे हैं, ज्यादा नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, एक और जगह खोलेंगे, कौन सी, ऐसे तीन उंगली पीछे सर पे, यहाँ जैसे हेयर बैंड लगाते हुए अगर देखा है आपने, तो वो हेयर बैंड वाली जगह को थोड़ा खोलेंगे ऐसे हाथ से, जैसे कोई सर दबा रहा है, हमारा मसाज कर रहा है। इसको बोला जाता है ओपनिंग द सूचर्स। अगर आप हमारी ये कपाल को देखेंगे ना, कपाल में ऐसे हड्डियां जोड़ दी गई हैं जैसे कि एक बहुत ही खराब से की गई सिलाई हो, इसलिए उसको सूचर बोलते हैं, सूचर सिलाई को बोला जाता है। बहुत ही अजीब तरीके से ढांचे से की हुई सिलाई। हम इनको जब खोलते हैं ना, इन जगहों को, तो हमारे सर का प्रेशर बहुत कम होता है और नसें बहुत खुल जाती है इससे। तो ये खोलेंगे सामने से पीछे और फिर बीच से साइड में कान की तरफ। उसके बाद खोला है तो कुछ अंदर डालना पड़ेगा, तो हाथों को एकदम हल्का छोड़ते हुए हाथ से ऐसे टैप करेंगे। मैं आपको गाइड करती रहूंगी, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, और इसकी एक वीडियो भी है जो हम बाद में भिजवा देंगे। ऐसे टैप करते हैं, इसको न्यूरो लिम्फेटिक टैपिंग बोलते हैं। सर में बहुत ही ज्यादा ब्लड सप्लाई, रक्त का प्रवाह होता है, और लिम्फेटिक्स जो हमारी एक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होती है, जो हमारे पूरे मस्तिष्क के अंदर और बाहर बहती है, वो सबसे ज्यादा हमारे, आपको पता है ब्रेन में हमारे इतनी इलेक्ट्रिसिटी बनती है कि हम एक नाइट बल्ब जला सकते हैं। और जो हमारे ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स होते हैं ना, ब्रेन की जो कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन्स बोलते हैं, नर्व सेल्स बोलते हैं, ये एक दूसरे से इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, इतना कम्युनिकेशन करते हैं, पूरी दुनिया के सारे फोन कम्युनिकेशन को कंबाइन कर दे जो इस समय हो रहे हैं, उससे ज्यादा कम्युनिकेशन हमारे इन नसों के अंदर, एक मस्तिष्क के अंदर हो रहा है। सोच सकते हैं, द अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन, द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन दैट हैपेंस इनसाइड द ब्रेन इज मोर देन ऑल द फोन कम्युनिकेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड पुट टुगेदर। तो अभी इतना अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, तो जाहिर सी बात है कि वेस्ट भी बहुत आता होगा। वो वेस्ट को हमारा लिम्फैटिक सिस्टम बोलते हैं, जी लिम्फैटिक सिस्टम, मस्तिष्क का अलग लिम्फैटिक होता है, CSF, वो धो के निकालता है, और उसे निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर हम वो रोज के रोज कर दें, तो एक तो नसें तो खुलती हैं, जो खुलती ही हैं, हमें तनाव नहीं होता, और दूसरा हमारी जो एजिंग बोलते हैं ना, कितनी जल्दी हम बुढ़े हो रहे हैं, बुढ़ापा कम आता है, जल्दी नहीं आता। तो आपकी जो साल तो बढ़ेंगे पर उम्र नहीं बढ़ेगी अगर ये रोज करेंगे तो, ठीक है। तो ये लिम्फैटिक सिस्टम की ये जो एक टैपिंग होती है, ये करके बहुत ज्यादा फायदा करती है। तो हम ऐसे टैप करेंगे हाथों को एकदम हल्का छोड़ के, टैपिंग, और उसके बाद लास्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पांचों उंगलियों को एक साथ जोड़ लेते हैं, उसके बाद अंगूठे को सर पे, जहां आप अगर मेरी बिंदी देख रहे हैं ठीक उसके ऊपर, ऐसी जगह पे, थोड़ा ऊपर नीचे होने से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लगाएंगे। उसके बाद नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, ऐसा। तो 7 से 10 सांसें करेंगे, ठीक है। तो पहले तो वाइपर विंडशील्ड करना है, फिर मस्तिष्क को खोलना है आगे से पीछे, फिर यहाँ ऊपर से साइड की तरफ खोलेंगे, उसके बाद टैपिंग करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। मैं आपको गाइड करती रहूंगी, जितना तक हो सके आंख बंद करके करें, बीच में ना समझ में आए तो आंख खोल के हल्का सा देख ले, फिर वापस बंद कर ले, ठीक है। सब साथ में करेंगे। पहले तो मैं चाहती हूँ आप अपने आसपास देखें, आपको आंखों से कैसा दिख रहा है, क्या लग रहा है, थोड़ा अपने सर के बारे में, अपने सर को महसूस करें। बस अब हम साथ में करेंगे, ठीक है। तो पहले वाइपर और विंडशील्ड, इसको क्लियरिंग द विजन बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक जो हमारे देखते, हम कैसा देखते हैं उसको थोड़ा सफाई ले आता है हमारी दृष्टि में। तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को ले जाएंगे, जैसे कोई वाइपर गाड़ी के विंडशील्ड पे जाता है। आंखें बंद करके करें तो इसका फायदा सबसे ज्यादा है। हल्के हाथ से करते रहें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। पांच छह बार और करेंगे।
उसके बाद हम खोलेंगे, सर को जैसे खोल रहे हैं आगे से पीछे, आंख बंद कर करके करें तो ज्यादा फायदा होगा, हाथों को धीरे धीरे पीछे ले जाते जाएं, करीब 3 बार आगे से पीछे हाथ ले जाते हुए मस्तिष्क को खोलेंगे। वेरी गुड। अब ऊपर, सर के ऊपर से साइड की तरफ खोलते हुए जाएंगे, कोई भी 2 उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप खोलने के लिए। वापस 3 बार, फिर टैप करेंगे हाथों से सर को आगे पीछे दाएं बाएं, कान के ऊपर, कान के सामने, कान के पीछे, सर को हर जगह पे टैप करने से थोड़ी थपकी देने की आवाज आएगी। घबराए मत, इसका ये अर्थ नहीं कि कुछ है नहीं, अंदर खाली है। ये आवाज नॉर्मल है, हर किसी को आती है, ये बहुत अच्छा है। न्यूरो लिम्फेटिक टैपिंग बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छे। और लास्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे, सारी 5ों उंगलियां एक साथ कर ले, जोड़ ले, अंगूठे को सर पे रख ले, आंखें बंद करके करें, नाक से सांस अंदर मुंह से बाहर, करीब 10 सांसें लेंगे। लंबी गहरी सांसें नाक से अंदर मुंह से बाहर, और विश्राम करें, आंखें बंद ही रखें 1 मिनट के लिए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। मैं वापस से चाहूंगी आप एक बार चारों ओर देखें, अपने सर को महसूस करें। कुछ लगता है जैसे बदल गया, कुछ हल्का सा खुल जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, पर इसके रोज के बहुत फायदे हैं। देखिए, एक तो अभी तनाव लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो कर लिया, तो हमें हाँ उस समय एक क्विक फिक्स जैसा बोलते हैं ना, वो मिल जाता है। पर अगर हम रोज ये करते हैं ना, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, रोज करते हैं तो हम देखेंगे हमको उतना ज्यादा तनाव आता ही नहीं है, और अगर आता है तो बहुत जल्दी चला जाता है। गुस्सा तो आएगा कुछ गड़बड़ हुआ तो, पर बहुत जल्दी चला जाता है। और इसके मस्तिष्क अच्छा रखने के, बुढ़ापा इतनी जल्दी ना आए, एजिंग रोकने के, ब्रेन अट्रोफी जो बोलते हैं, कि मस्तिष्क से एक यंग रहने का, उसका बहुत बड़ा फायदा है। फिर सर के प्रेशर, सर में बहुत मेम्ब्रेन्स होती हैं, हम लोग क्रेनियोसेक्रल थेरेपी करते हैं उसमें इसका पूरा एक स्टडी होता है, कैसे मस्तिष्क, मस्तिष्क के ऊपर की सारी मेम्ब्रेन्स, हमारे ये स्कल के बोन्स, इन सब का कितना ज्यादा प्रभाव है इसके ऊपर, एक पूरा थेरेपी है उसका, बहुत ज्यादा एक असर है हमारे शरीर पे, मन पे। तो ये 2 मिनट लगता है ये करने में, 2 से 3 मिनट, और घबराए मत, बस लो पावर कट हुआ है, अभी आ जाएगी लाइट। तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है कि, तो ये अपने आप से कर सकते हैं। हाँ, तो क्या है, पहले क्लियर कर लिया, फिर ऐसे थोड़ा खोल लिया, चाहे दोनों खोलने की नहीं जरूरत है, एक भी खोलेंगे तो बहुत है, फिर टैप 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 टैप, फिर इंटीग्रेशन। तो इसके काफी फायदे हैं, ये एक छोटी सी टेक्निक है, और फिर इम्यूनिटी भी बढ़ाती है ये। अभी इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी है हमारी रोग निरोधक शक्ति। तो हमारे जो शरीर में, जो हम इम्यूनिटी इम्यूनिटी आजकल इतना करते हैं ना, कि रोग निरोधक शक्ति तो है। अच्छा, आप लोग थोड़ा बताइए तो कैसा लगा आपको ये करके, कुछ बोलना चाहेंगे आप, कुछ पूछना चाहेंगे आप, बेझिझक बीच में अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, चैट बॉक्स भी है, उस पर लिख भी सकते हैं आप, तो ऐसा नहीं है कि मुझे ही बोलते रहना है। आपको कुछ भी बोलना हो तो आप कर सकते हैं, बीच में कुछ पूछना हो वो भी कर सकते हैं। हाँ, तो
ठीक है, तो इम्यूनिटी जो मैं बोल रही थी, रोग निरोधक शक्ति जिसे बोलते हैं, ये हाँ कितने जी, कितने बार करना है? दिन में एक बार भी आप करेंगे ना तो बहुत है। और अगर लग रहा है कभी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत थकान है, काम बहुत ज्यादा है, सर पे गैस चढ़ गई है, हेडेक हो रहा है, तनाव लगता है, तो 3-4 बार कर लिया दिन में, 2 मिनट तो लगता है करने में। पर एक बार भी, जैसे रोज में अगर हम एक बार करते हैं ना एक प्रैक्टिस बना के, तो मैं तो क्या करती हूँ, मैं उठती हूँ, मैं बिस्तर छोड़ती हूँ उसके पहले ही, ब्रश करने के भी पहले एक बार ऐसे ऐसे कर लेती हूँ, तो लगता है हाँ एक तो जग गए, उठने को मन नहीं करता ना सुबह कि भाई अभी थोड़ी देर और सो जाओ, थोड़ी देर और सो जाओ, तो लगता है हाँ एक फ्रेशनेस आ गई। ये 6 बार 7 बार ये मतलब जैसे ऐसे किए हैं हाँ ये तो कर सकते हैं। ओ ये आपको नंबर पूछ रहे हैं एक एक चीज का। हाँ हाँ, ये 3 बार बहुत है, 3 बार खोल लिया, अच्छा ये भी 3 बार खोल लिया, सांसें जब ले रहे हैं 5 से 7 बार ले लें, टैपिंग थोड़े देर आधे मिनट तक कर लिया। इसका ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है, आप 3 का 6 भी कर देंगे, 5 भी कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 3 बार कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। हाँ जी ऑफ कोर्स, या थैंक यू नवीन जी, ग्रेट फीलिंग यू हैव रिटन, या इट्स यू नो दिस इज द थिंग, यही बात है कि सिंपल चीजें ना बहुत इफेक्टिव होती हैं। और भी हम कुछ 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 सिंपल चीजें ऐसी करेंगे, ये आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, वो इतना पढ़ते हैं, उनको इतना मेमोरी, इतना कुछ याद रखने का होता है, आप अपने बच्चों को ये छोटी सी चीज सिखा दीजिए, वो एक तो आपको याद रहेगी, किसी और को सिखा देंगे तो आपको खुद भी याद रहेगी, और दूसरे उनको काफी फायदा हो जाएगा इससे। बच्चों को सिखा सकते हैं, किसी को आपको पता है नर्वस, तनाव बहुत रहता है, उनको सिखा सकते हैं, कोई बीमार जल्दी जल्दी पड़ते रहते हैं उनको सिखा सकते हैं, तो ऐसे करके बहुत चीजें होती है। और भी हम कुछ कुछ करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा एक इम्यूनिटी के कुछ टेक्निक्स देखेंगे, उसके पहले एक रोग निरोधक शक्ति पे थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए रोग निरोधक शक्ति ना, अभी वो बहुत कुछ चल रहा है, इसका पूरा एक मार्केट बन गया है, क्योंकि सडनली इम्यूनिटी पिल की आपको हम ये खाइए इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये आपका मसाज है इम्यूनिटी का, ये है वो है। रोग निरोधक शक्ति होती क्या है? देखिए हमारे शरीर के अंदर ना हर रोज, अभी भी जब हम बैठे हैं, हमें पता नहीं हमारे आसपास हमारे कितने कीटाणु हैं, कितने डस्ट हैं। एक होता ना, कहीं जाते हैं, कहीं कुछ डस्ट जैसा गया, हम खांसते हैं और वो निकल जाता है, तो खांसी भी हमारी एक इम्यून रिस्पॉन्स है कि कुछ कुछ ऐसी चीज जो मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं थी वो अंदर जाने गई, उसको मैंने निकाल दिया। हम कुछ गलत खाते हैं, हमें उल्टी हो जाती है, क्यों? क्योंकि मेरा शरीर वो चीज को लेगा ही नहीं जो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो हमारे रक्त में ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी हमको देते हैं। मतलब क्या कि कुछ भी बैक्टीरिया, कुछ भी वायरस, कुछ भी फंगस, कुछ भी पैरासाइट या कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी सांस के द्वारा, हमारी त्वचा के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा कहीं से भी हमारे अंदर प्रवेश कर गई है, वो इसे मार के बाहर फेंक देते हैं, या तो वो इन्हें खा ही जाते हैं, WBC खा जाते हैं कई बार, बैक्टीरिया वायरस को, कैंसर सेल्स को तक खा जाते हैं वो। तो ये होती है रोग निरोधक शक्ति। तो अभी रोग निरोधक तरीका, इस तरीके से हम रोग का निरोध करते हैं, पर शक्ति क्या होती है, कितना WBC, कितनी जल्दी हमारा शरीर बना पाता है अगर हमें कोई रोग पकड़ा तो, और कितनी मात्रा में बना पाता है, जितना वायरस है उससे ही ज्यादा हम WBC बना पा रहे हैं क्या उसको काउंटर करने के लिए। तो एक तो होता है ये हमारा लड़ता है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो भी बैक्टीरिया फंगस वायरस आए हैं उससे लड़ते हैं, और दूसरा ये क्या करते हैं, याद रखते हैं कि पहले अगर कभी ऐसा इन्फेक्शन हुआ तो उनको याद रहता है, और दूसरी बार वो उसका और भी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे चिकन पॉक्स किसी को एक बार हुआ तो दोबारा जल्दी से होता नहीं, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो ये हमारी मेमोरी होती है, तो एक होती है जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एक तो वो लड़ते हैं बैक्टीरिया वायरस फंगस से, और दूसरा ये क्या करते हैं, उन्हें दोबारा होने नहीं देते, या दोबारा हो भी जाए तो बहुत जल्दी बाहर भगा देते हैं शरीर से। तो रोग निरोधक शक्ति हटाने के लिए जो हमारा मेन सिस्टम है शरीर का, उसे बोला जाता है लिम्फैटिक सिस्टम। मैं आपको एक छोटी सी इमेज दिखाती हूँ, तो उसे लिम्फैटिक सिस्टम बोला जाता है। तो लिम्फैटिक सिस्टम में एक तरल पदार्थ बहता है जिसे लिम्फ कहा जाता है, और ये जो लिम्फ होती है ना, जैसे देखिए एक तो हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, तो रक्त का प्रवाह कैसे होता है, एक सेकेंड, ओपन इमेज न्यू टैब, हाँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक तो हमारा हृदय है, पंप करता रहता है और रक्त सारे शरीर में जाता है, तो रक्त सारे शरीर में जाता है,
सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा देता है और जो भी कुछ मल जमा हुआ है उसे वापस ले आता है। और एक दूसरी लिक्विड होती है जो लिम्फ है, जो हमारे शरीर के अंगों के वहीं ही चालू होती है। जब रक्त जाता है ना हृदय से, जैसे समझिए हमारे पैर की तरफ हृदय से रक्त गया, तो वहां ऑक्सीजन देता है और फिर सारे मल टॉक्सिन ये सब लेके वापस आता है। तो 96-97 96-97 97% तो वापस आ जाता है, वो 3-4% रक्त उधर वो बह के उधर ही रह जाता है। अब ये बार 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 दिन में 5 लीटर रक्त का प्रवाह हो रहा है, तो उतना रक्त अगर नीचे रह जाए तो हमारे पैर तो एकदम हाथी जैसे फूल जाएंगे। तो क्या होता है, पैरों से ही हमारे अलग अलग अंगों से कुछ ऐसी पतली पतली पाइपें चालू होती है जो ये जो बचा हुआ पानी है इसे ऊपर लेके आती है। और इनमें सबसे ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और ये ही हमारे रोग निरोधक शक्ति बनाते हैं। तो ये ऐसे तरीके के दिखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये क्या होते हैं ना, ये देखिए पैर से यहां से कहीं से चालू हो रहे हैं, हाथों से चालू हो रहे हैं, हर जगह से हर अंग से निकलते हैं और फिर क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं नीला और ये हृदय है हमारा, यहाँ आके ये सारा का सारा वापस से हृदय के रक्त में जुड़ जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे रक्त के प्रवाह के लिए तो हार्ट पंप का काम करता है, पर ये जो लिम्फ जो हमारी ये लिम्फ की धमनियों में जाती है उसके लिए कोई पंप नहीं होता। तो हमारी जो मांसपेशियां सिकुड़ती हैं बढ़ती हैं ये ही पंप का काम करती है। तो जितना हम हिलते डुलते हैं, जितना हम अपने शरीर में कोई पंपिंग एक्शन करते हैं, हिलने डुलने का काम करते हैं, उतना हमारी रोग निरोधक शक्ति अच्छी रहती है क्योंकि उतना लिम्फ का प्रवाह बना रहता है। तो रोग निरोधक शक्ति अच्छी करने के लिए एक तो हम अपने खान पान से कर सकते हैं, अच्छी चीजें खाने से, दूसरा शौच बनाए रखने से, ये तो होता ही है, पर तीसरा जो सबसे बड़ा है वो है हिलना डुलना। अगर हम बैठे रहते हैं तो हमारा लिम्फ का प्रवाह हो नहीं पाता है और रोग निरोधक शक्ति ढल जाती है। तो इसके लिए कुछ भी पंपिंग करना, कोई भी पंपिंग एक्शन जो हम शरीर से करते हैं, हिलते डुलते रहना, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है और रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है। तो इसके लिए भी हम कुछ कुछ पंप कर सकते हैं और कुछ कुछ मसाज कर सकते हैं जो मैं आपको सिखाती हूँ। एक तो है कान को, कान को पकड़ के अगर हम ऊपर नीचे ऐसे जैसे पंप कर रहे हैं, ये करना, इससे भी बहुत अच्छा रहता है। हमारे यहाँ यहाँ सारी जो भी बालों में बहुत ज्यादा खुश्की होती है, कान में इन्फेक्शन होता है, दांत में इन्फेक्शन होता है, ये सब की यहाँ लिम्फ नोड्स होती है कान के आगे और कान के पीछे। तो कान को ऊपर नीचे करते रहना। इसमें साथ में अगर आप जीभ को भी घुसा ले, देखने में तो बहुत ही फनी लगेंगे, पर इससे हमारे ऑर्गन्स और मेरिडियन का स्ट्रेच हो जाता है। तो ये करते करते साथ में जीभ भी निकाल लीजिए। देखने में बहुत, कोई हंसेगा आपके ऊपर, अभी आप मेरे ऊपर हंस रहे होंगे कि ये मैं क्या ही कर रही हूँ, पर इससे बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा। ये बोलते हैं सोर्स वॉइस भी लाने में काम करता है। अब आप में से कुछ लोगों को अगर गाने का शौक है, और अगर ऐसे तो नहीं हो पाता खाली जीभ निकाल के लंबी जितनी ज्यादा जबान निकाल सकते हैं निकालिए और करिए, आप देखेंगे आपकी आवाज, आपका गाना बहुत अच्छा हो गया है। आप सोर्स वॉइस में जब हम बात करते हैं ना, सामने वाला जल्दी से ना नहीं कर पाता। आप कोई बड़ी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आपको किसी को अपनी बात मनवानी है, थोड़े देर ये ये करके जाइए, फिर आप बात करेंगे, आपकी सोर्स वॉइस निकलेगी, जल्दी से सामने वाला आपको ना नहीं कर पाएगा। तो ये छोटे 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 फायदे होते हैं ये सबके, और रोग निरोधक शक्ति तो अच्छी होती ही है। तो कान को थोड़ा पंप कर लिया, इसमें बीच में जीभ का भी कंपोनेंट डाल सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, कंधे को पंप कर सकते हैं ऊपर नीचे बैठे बैठे, देखिए अभी बात सुनते सुनते भी कर सकते हैं, किसी से बात करते करते कर सकते हैं, है ना। ये सबके लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हमारी एक ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, ऊपर में छाती में। तो ये ग्लैंड भी एक तो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनको बनाती है, और दूसरा इसको टेम्पर ग्लैंड भी बोलते हैं, कि बहुत ज्यादा नखड़े हैं होते ना, नखड़े बहुत ज्यादा हैं अगर, तो ये ग्लैंड को टैप करने से वो नखड़े ठीक हो जाते हैं। तो कैसे, ऐसे टैप करेंगे मुट्ठी बना के, अंगूठा अंदर करके, और ये आवाज निकालेंगे अगर आप जानते हैं पुराने राजस्थान में ये कल्चर होता था,
किसी के यहाँ कोई दुर्घटना होती थी, कुछ होती थी, तो कुछ महिलाओं को बुलाते थे तो छाती जोर जोर से पीट के रोती थी। ये कस्टम होता था, उनको रुदाली बोलते थे, बुलाते थे कि जो अंदर किसी और के भी पेंट अप इमोशंस हैं वो सब निकल जाए। इसके बहुत फायदे होते थे कि हमारे जो पुराने, जो भी कहीं कुछ कुछ जगहों पे कुछ परंपराएं या कुछ प्रथाएं रही हैं, वो बिना कोई कारण के नहीं रही हैं, उसका कुछ तो रहा ही है, कुछ तो सिखाना चाहते ही हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है खाली ये पकड़ के, और खास करके अगर बच्चे हैं घर पे, 11, 12, 13 साल के टीनेज बच्चे, उनको ये कराने से जो वो टेम्पर टेंट्रम्स आते हैं वो नहीं होते। तो ये पकड़ के इससे एक वेगस नर्व भी स्टिम्युलेट होती है और साथ ही साथ रोग निरोधक शक्ति भी बढ़ती है। वेरी गुड, ये कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा लिवर स्प्लीन का भी पंप कर सकते हैं। अभी आपके, मैं वो दिखाती नहीं पर फिर मुझे लगा कि अभी सब हम मिडिल एजेड लोग हैं तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि ये टाइम पे हमको सब खाने का मन करता है पर हमारी ब्लड रिपोर्ट्स हमको अलाउ नहीं करती है, है ना। तो देखिए, हमारे दाहिने दाहिने तरफ में लिवर होता है जस्ट हमारे रिब्स के नीचे, और बाएं तरफ में स्प्लीन होता है। तो यहाँ जहाँ पे हमारी हड्डियां हैं अभी भी स्प्लीन की, वहां अगर खाली साइड में ऐसे ऐसे हाथ से मारते हैं ना, हाथ को ऊपर करके बस यहाँ मारना है, इससे भी बहुत अच्छा लिम्फ का फ्लो होता है और लिम्फ पंपिंग होती है इस जगह को। और इसमें हिल भी सकते हैं थोड़ा तो और पंपिंग देता है। आप देखेंगे, आप ये 2-5 मिनट करेंगे आप थक जाएंगे, जबकि कुछ कर नहीं रहे हैं ऐसा। आप थोड़ी देर ये करिए, आपको लगेगा सांस फूलती है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग लिवर और स्प्लीन का पंप होता है। तो ये लिम्फैटिक सिस्टम तो अच्छा रखता ही है, साथ ही साथ आपका लिवर और स्प्लीन का एक पंपिंग देता है, डायफ्राम खोलता है तो सांस अच्छी होती है। ठीक है, तो क्या क्या 3-4 चीजें हमने की लिम्फ के लिए। एक तो कान को ऊपर नीचे करना, कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं, इसमें जीभ भी साथ में निकाल सकते हैं। जैसे कान नीचे आता है वैसे ही जीभ भी बाहर आती है, और जितनी ज्यादा निकाले, ऐसे हल्का सा नहीं करना है, पूरी बाहर। आपको मैं, आपको ना मैं एक चीज करने बोलती हूँ, एक सेकेंड रुकिए, एक बार सबको ही आप लोग करिए, आपको अनम्यूट की जरूरत नहीं, ऐसे ही जितना जोर बोल सकते हैं पेट से बोलने की कोशिश करिए, बस। ठीक है, अभी आपको पता है आप कैसा बोल रहे हैं। अभी मैं आपको बोलूंगी, इनवाइट करूंगी कि आप, हम लोग 6 से 7 बार ये करेंगे, एक सेकंड रुके, पूरी सुनिएगा बात, ऐसे करेंगे, और अपने पैरों जो पंजे होते हैं ना, हील को ऊपर कर लीजिए, पंजे को बस ऊपर करके रखिए, जहां भी बैठे हैं वैसे ही बस, जैसे पैर को अपनी तरफ करके, मैं पैर दिखाना नहीं चाहती स्क्रीन पे, पर ये अगर पैर है तो उनको बस ऐसे ऊपर की तरफ खींच लीजिए, जहां भी बैठे हैं अपनी तरफ खींचिए, और ये 7-8 बार ये करेंगे अब, पैरों को ऊपर खींचा हुआ रख के, जीभ पूरी बाहर, जितनी बाहर निकाल सकते हैं। बस अभी रिलैक्स करेंगे, 2-3 सांसें लीजिए अंदर बाहर, पैरों को भी रिलैक्स कर सकते हैं। अभी वापस से करिए, आप मुझे बताइए आपको अंतर लगता है या नहीं, है कि नहीं। ये सोर्स वॉइस की बहुत बड़ी टेक्निक है। देखिए, हमको जब हमारे अंदर में एक एक हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज हम कॉन्फिडेंस से कर पाते हैं या नहीं, तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही एक खाली एक मन की चीज नहीं होती। जो हम, मैंने कहा स्वास्थ्य का डेफिनेशन सबसे पहले बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ, जब वो अच्छा रहेगा तो ही शरीर में भी कोई चीज करने का कॉन्फिडेंस आएगा, तो हमारी आवाज में वो दिखता है। आप जब ये करके आप किसी को कुछ बोलेंगे ना, जब पेट से किसी की आवाज निकलती है कोई ना नहीं कर पाता उसको, तो ये कोई डील क्रैक करने जाने के पहले की एक सीक्रेट है, थोड़े से फनी दिखिए पर आवाज इतनी खुलती है। और पेट, ये डायफ्राम की भी टेक्निक है, वोकल कॉर्ड्स की, वेगस नर्व की, ये एक टेक्निक है पर इसमें बहुत सारे फायदे, तो ये भी एक कर सकते हैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया, अगर आप ये भी करेंगे तो। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा,
तो कुछ लगा आपको अंतर आपकी आवाज में? कुछ लोगों के तो मैंने थम्स अप देखे, आप लोग भी कुछ बोलिए। यस इट वाज गुड, डिफरेंस आया है। हाँ वो डिफरेंस हमने तो लंबा किया नहीं, वरना लोग ये 1 मिनट 2 मिनट, जैसे कई लोग सिंगर्स होते हैं ना, वो लोग ये 2-3 मिनट करेंगे, या फिर वो अपने एड़ियों पे चलते चलते ये ऐसे करते रहेंगे। तो बोलते हैं जीभ निकाल के एड़ी पे चलेंगे तो भी होता है, और लिम्फ तो स्टिम्युलेट होती है। तो ये एक हो गया, बाकी लिम्फेटिक का है, कंधे ऊपर नीचे करना, थोड़ा थाइमस को टैप करना, बात करते करते साइड करके लिवर को पंप करना, स्प्लीन को पंप करना, इससे बहुत फायदा होता है। और एक अपने एड़ी पे आ जाए, सॉरी एड़ी पे आ जाए, फिर अपनी पैर की उंगलियों पे आ जाए, एड़ी पे आना, उंगली पे आना, ये भी एक बहुत अच्छा पंप होता है। गोइंग ऑन द टोज, गोइंग ऑन द हील्स, टो हील, टो हील, टो हील, ये भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो ये सारी चीजें हमारी रोग निरोधक शक्ति बढ़ा सकती है। फिर हाँ, खाने में तो, खाद्य पदार्थों में तो होता ही है, हल्दी हो गई, और भी बहुत चीजें हो जाती है। तो ये सब चीजों से भी हम थोड़ा कर सकते हैं अपना इम्यूनिटी। पर सबसे ज्यादा अच्छा है मूवमेंट करना। और मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमको जिम जाके ही कुछ करना है, स्विमिंग करना है, सब वो ही नहीं है। ये हल्के फुल्के जो भी पंपिंग एक्शन हम करते हैं, इससे हमारी रोग निरोधक शक्ति काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये दूसरा हो गया। और आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे? कोई विषय ऐसा है जिसपे आप बात करना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कोई विषय कसैले पे? केही हाँ, सोध्ने जिज्ञासा छ भने सोध्दा हुन्छ। क्या क्या? अच्छा, आप पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब, वो जो सैलून में हम जाते हैं ना, हाँ, तो सैलून में जो सैलून वाला ये करता है वो अच्छा है कि वो ज्यादा हुआ हो? देखिए आपको जब तक अच्छा लग रहा है, अगर कई बार लगता है ना कि नहीं मुझे दर्द हो रहा है और वो कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। वरना इन लोगों को समहाउ, मतलब इनको पता होता है क्या करना है। सच में आपको पता है, ये हमारी ऑस्टियोपैथी की टीचर बोलती थी, बोले कि एक अच्छे हेयर ड्रेसर जो होता है ना, उनका हाथ बहुत अच्छा होता है। आपको हाथ लगाते ही पता चलता है हाँ ये तो सही है। वो बालों में एक बार हाथ फैलाएंगे और आपको पता चल जाएगा ये सही है। थैंक यू। हाँ, वो खराब नहीं है, क्योंकि वो भी आपका न्यूरो लिम्फेटिक स्टिम्युलेट ही कर रहे हैं। पर अगर आपको उसमें दुखता है, तो आप उनको, आपको बोलना चाहिए नहीं उतना मत करो कि दुखे, क्योंकि वो दुखना नहीं चाहिए। ओके थैंक यू। तो फिर एक और चीज मैं आपको छोटी सी बताती हूँ, ये भी बहुत ही सिंपल है, हमारे रोज में बहुत काम आती है। क्योंकि आप लोग नेपाल साइड रहते हैं, तो वहां तो काफी ठंड होती है, काफी वो होता है। आपको भी बीच में ऐसे फेजेस आते होंगे कि पता नहीं अभी पंखा चलाए तो ठंडी लग जाएगी, पर अगर बंद कर दिया तो गर्मी लगेगी। वो फेजेस भी आते हैं वहां पे। कि अब समझ नहीं आता मुझे ठंड में रहना है कि गर्म में रहना है, वो बीच का समझ नहीं आ पाता। और कई लोगों को क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमको लगता है कि सब कुछ बहुत कंजेस्टेड है, बहुत जमा हुआ है, या लेटते हैं तो नाक ऐसा ब्लॉक हो जाता है, ऐसा लगता है। खास करके ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं ना, मौसम बहुत ऊपर नीचे जाता है, ये सब जगहों पे ये बहुत होता है कि सुबह उठता है लगता है कि सब थोड़ा सा जमा है, कुछ साफ नहीं है। तो ये भी वापस से, ये आपके मेरिडियन की भी टेक्निक होती है। एक 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 ऑर्गन के यहाँ मेरिडियंस होती है। और दूसरा, यहाँ हमारे काफी साइनसेस होते हैं, जो जब हम सोते हैं या लेटते हैं तो जम जाते हैं। तो क्योंकि वो जम जाते हैं, तो सुबह जब हम उठते हैं हमको काफी बेचैनी होती है, या थोड़े समय तक लगता है कि वो सब सब जमा है, या सर भारी लगता है उठने के बाद, लगता है कि नहीं पूरा थोड़ा भारीपन लगता है। तो इसको ठीक करने की एक छोटी सी चीज होती है, ये वैसे भी रोज सुबह उठ के करना बहुत अच्छा है। तो अपनी पहली दो या कोई भी एक उंगली ले सकते हैं। तो ये होता है पहला पॉइंट, आंख के नीचे यहाँ जो हड्डी निकली है उस पे ऐसे टैप करते हैं। आपको लगेगा अगर एक साइड आपका दुख रहा है तो वो स्टमक मेरिडियन का पॉइंट है, आपको डाइजेशन की या पेट में एसिड की दिक्कत होती होगी। और यहाँ साइनस भी होता है, मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं उसको। फिर यहाँ नाक के यहाँ
फिर आईब्रो के ऊपर बीच की तरफ, बीचों बीच नहीं, यहां नहीं, पूरा यहां नहीं जाना है, साइनस सिर्फ यहां होता है। देखिए आपको पता चलेगा, आप ये जगह दबाइए, आपको दुखेगा यहां अगर दबाएंगे तो, है ना, इस जगह को दबाइए, दुखता है क्योंकि यहां साइनस होता है, हर साइनस की जगह दबाने पे दुखती है, तो यहां अंदर की तरफ, मतलब बाहर नहीं अंदर की तरफ, और फिर यहां, यहां आंखों की तरफ आप देखिए एक फ्लैट सी जगह आती ही है वहां, तो ये 5-7 बार घुमाएंगे, तीन चार बार करें, बहुत अच्छा। और अब इसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, अपनी जीभ को अपने तालू पे लगाएंगे, और मुंह खुला या बंद कैसे भी रख सकते हैं, और आंखों को दाहिने और बाएं ले जाएंगे, बस, और विश्राम करें, जीभ को तालू पे लगाए हुए, आंखों को दाहिने और बाएं, इससे भी नाक खुल जाता है और ये साइनस, ये जो यहाँ जमते हैं हमारे सोने के कारण, वो खुल जाते हैं। अगर आप लोगों को स्टीम लेने की आदत है, जो भाप लेते हैं हम, उसके पहले ये करेंगे तो उसका असर 10 गुना बढ़ जाता है, तो ये भी एक चीज है जो हम सुबह उठ के कर सकते हैं, तो ये जो जगह कंजेस्टेड है ये सब, इसमें बहुत आराम पड़ जाता है, तो ये भी सिंपल सी चीज है पर काफी साइंटिफिक और काफी ज्यादा अच्छी है। तो ऐसी छोटी 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 टेक्निक्स होती हैं, काफी चीजों को लेके टेक्निक्स होती हैं। तो कोई चीज के लिए आप कुछ पूछना चाहेंगे, कोई टेक्निक आपको लगता है आपको जाननी है? कुमार दाय, राजू दाय, अशोक अंकल, कहीं पर नहीं सोता हूँ, राजकुमार अंकल, डॉक्टर साहब नमस्कार। ओ डॉक्टर, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि स्टीम लेने से वो अच्छा नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, स्टीम लेना तो बहुत अच्छा होता है। वो स्टीम में लोग बहुत सारी अलग अलग तरीके की दवाइयां डाल के लेते हैं, वो अच्छा नहीं होता। कई लोगों को स्टीम में कुछ भी डाल के ले लेते हैं, स्टीम तो बहुत अच्छा है। ये पूरी चीज, कान का सारा पैसेज, नाक का पैसेज, ये पूरा खुला, इस पे तो पूरी रिसर्च है, स्टीम शरीर के लिए कितना अच्छा है। जो स्टीम इनहेलेशन लेते हैं ना, वो एक भाप वाला आता है, पानी भरो और उसमें वो गर्म होता है और वो आप ले रहे हैं, सादे पानी की स्टीम, या फिर पानी में अजवाइन और सौंठ, सौंठ होता है ड्राई जिंजर, सूखी हुई अदरक, सौंठ और अजवाइन डाल के उसकी स्टीम, ये सब बहुत अच्छी होती है। कई लोग कुछ दवाइयां या बहुत तरीके का ऑयल और ये सब डाल के स्टीम लेते हैं, वो लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं होता, सेल्स को डैमेज करता है, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर लोग। हाँ हाँ, सेल्स को डैमेज करता है। ना ना ना, स्टीम कैसे डैमेज करेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग हाँ, आप बहुत ज्यादा नहीं लेते, आप दिन में एक बार भी, रोज भी स्टीम ले तो वो नुकसान नहीं करता है, स्टीम तो बहुत अच्छा होता है। वो स्टीम में कई लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एसेंशियल ऑयल या बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई डाल के लेते हैं, जिससे ऑल्फैक्ट्री बल्ब को नुकसान होता है, वो नहीं लेना चाहिए। पर स्टीम लेना तो, अगर आपको कंजेशन है कुछ है, तो स्टीम से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। नॉर्मली भी ले सकते हैं, नॉर्मल रोज लेने की जरूरत नहीं है, पर आपको कंजेशन है या कुछ ब्लॉक है, कान में ब्लॉक है, कान में दर्द होता है, तो स्टीम से ही ठीक होता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आप कितना साल से ये सब कर रहे हैं? मैं 2000, वैसे तो मेडिकल तो 2008 से, और ऐसे ये सब प्रैक्टिस और अल्टरनेटिव हीलिंग 2012-13 से। तो 7-8 साल हुआ। तो इसमें आपको कैसा, आपको एजिंग में जो बोले आप एक्सरसाइज करने से एजिंग में हेल्प होती है, तो
Can I ask you what is your age? My age? What do you think it is? You give a guess and I will tell you yes or no. I guess 32. 32. I will leave it up for voting. Aging, we are talking about brain aging, you know, not how you look or external thing. Brain ka ek natural aging process hota hai na. Aap dekhenge ek age ke saath brain atrophy hoti hai. Aap koi bhi, aap 60, 70 plus aap logo ka ek brain ka scan nikalte hain, to dekhte hain usme brain degenerative changes, atrophy, ye likha rehta hai. और ये नेचुरल होता है, ये कोई बीमारी नहीं होती. इट्स अ नेचुरल एजिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन. आप स्लो डाउन कर सकते हैं क्योंकि आपका लिम्फैटिक, आप ये कहीं भी पढ़ेंगे ना आपको मिलेगा कि अगर आपने जी लिम्फैटिक सिस्टम जो बोलते हैं लिम्फैटिक सिस्टम या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वॉशेस ऑफ बीटा एमिलॉयड ऐसा बोलते हैं, तो वो बीटा एमिलॉयड वॉशिंग अगर अच्छी कर ले जो हमारा ब्रेन का टॉक्सिन है, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन हेल्थ बढ़ जाती है. तो इट इज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन एजिंग, not our aging, not our external appearance. Yeah. Thank you. आप सुरेश अंकल माइक, मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आप उस पर क्लिक करिए. हाँ जी नमस्ते. हाँ बोलिए. हाँ, ये जो शोल्डर पेन जो होता है, इसके लिए कोई एक्सरसाइज आप बताएंगे? शोल्डर पेन हाँ मैं बताती हूँ. शोल्डर के काफी सारे चीजें होती है. मैं ना आपको एक, ठीक है, ऐसे तो काफी सारी होती है शोल्डर के लिए, मैं आपको ना एक दिखाती हूँ. रुकिए एक सेकेंड. हाँ अगर आपके ये तो सबके घर पे होता है, एक टावल या एक चद्दर है ना, फुल साइज्ड एक टावल सबके घर पे होता है, एक टावल है कि नहीं. तो इसको लेके हम करेंगे, रुकिए मैं थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट करती हूँ कि आप मुझे देख पाए. हाँ तो ये कैसे करते हैं, एक सेकेंड इसकी लगाइए. तो ये टावल को ऐसे पकड़ने का, दूसरे हाथ से ऐसे करने का, ठीक है? पीछे टावल ले जाएंगे, फिर ऐसे पकड़ेंगे लंबे टावल को. एक सेकेंड मैं इनको लंबे टावल को, मुझे तो म्यूट नहीं कर दिया. हाँ सीधा कर देना, ठीक है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल. ये पूरे रोटेटर कफ ये सब जो बोलते हैं शोल्डर के लिए बहुत अच्छा होता है. तो ये पकड़े, पीछे लेके गए, नीचे से पकड़े, सीधा, फिर दूसरे हाथ से. और इसमें खुद नहीं झुक जाना है, सिर्फ टावल को मोड़ना है. ये अगर एक चीज करे तो कंधे के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है. क्योंकि ये पूरा मूवमेंट लाती है. और वैसे तो बहुत सारे होते हैं, हाथ को ऐसे पीछे ले जाइए, फिर नीचे लाके वापस नीचे ले जाइए, हाथ को थोड़ा आगे पीछे करिए. इसकी एक वीडियो है, मैं आपको भिजवा दूंगी. ये ऐसे ये है सारा, फिर हाथ को खोलना बंद करना, बहुत कुछ होता है. पर ये बहुत ज्यादा अच्छी है अगर ये एक पकड़े, टावल पकड़ के उसको सीधा करना, बिना कुछ पकड़े नहीं होगा. अगर आप बिना पकड़े खाली हाथ के एक्शन से करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, इसको मेंटेन करके करना होता है. नहीं ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार होती है कि चलो ये कर लेते हैं, पर इससे कोई फायदा नहीं होगा, आपको कुछ पकड़ के करना पड़ेगा हाथ में. हाँ हाँ सुरेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे ना? सुरेश बंसल अंकल वो शायद है. जी जी राजू मित्तल. हाँ हाँ बोलिए. बोलो मैं बोलू? हाँ हाँ बोलिए ना. ये
कभी कभी कफ आया जैसा होता है, कफ निकलता नहीं है, जबरदस्ती निकाल लेते हैं तो भी गला में रहा जैसा रहता है। कफ साफ करने के लिए और गला साफ करने है, जैसे कोई भजन वजन करने के लिए तैयारी होते हैं तो स्पष्ट आवाज नहीं आता होता है ना। एक तो जो मैंने आपको बताया सोर्स वॉइस का, तो एड़ी पे चलते चलते या एड़ी को बस ऐसा टाइट करके ये करिए, इससे तो एक फायदा होगा ही। और ना एक आप वो समझते हैं चावल की मांड, राइस ग्रूवल बोलते हैं अंग्रेजी में, तो चावल को अच्छे से पका लेंगे, चावल को जो पकाते हैं थोड़ा सा जीरा डाल के, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अदरक हरी मिर्च जीरा डाल के बस उसको पकाइए और बहुत सारा पानी डाल के, जब वो काफी गाढ़ा हो जाए पानी उसका, तो उसको पीने से, रोज वो चावल की मांड पीने से ये चला जाएगा आपका प्रॉब्लम। जो डायबिटीज पेशेंट हूं मैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, मैं डायबिटीज पेशेंट हूं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, वो मेरे लिए कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है नहीं, पर सिर्फ चावल की मांड लेनी है, चावल नहीं लेना, पर उसमें भी चावल मांड में ही ज्यादा होता है, मांड में तो होगा कार्बोहाइड्रेट तो करेक्ट ज्यादा, तो इसलिए वो ठीक नहीं है। कर सकते हैं पान के पत्ते होते हैं ना, पान के पत्ते में थोड़ी सी मुलेठी डालिए, मुलेठी जानते हैं, पान के पत्ते में थोड़ी सी मुलेठी डाल के उसको खाने से भी फर्क पड़ता है। थैंक यू। राजू दाई। हाँ दाई दीदी, आपकी ये जो आपने बताया है उसकी सीडी मुझे मिल सकती है, सीडी या वीडियो? काफी चीजों की वीडियो है, मैं भिजवा दूंगी मेरे यूट्यूब, वो ये वाले की तो है और कुछ कुछ और काफी चीजों की वीडियो बनाई हुई है ये। हाँ। वैसे तो मैंने रिकॉर्ड किया, ये मैं नवीन जी के साथ शेयर कर दूंगी इसका लिंक, ठीक है, जो हमारी आज की ये बात हुई है ये आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग रहेगी, मैं भिजवा दूंगी। ठीक है दीदी। मेरे शुगर है, शुगर के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह कुछ है क्या शुगर के लिए? शुगर के लिए देखिए सबसे जरूरी है वजन कम करना, वजन कम करना, और आपको खान पान का ध्यान तो रखना ही पड़ता है, पर इसके अलावा दो तीन चीजें होती हैं जो बहुत फायदा करती हैं। एक होता है दालचीनी का पानी, आपके वहां तो ज्यादा गर्मी नहीं होती तो आप दालचीनी का पानी ले सकते हैं। दालचीनी पानी में रात में भिजानी है क्या? एक चुटकी पानी मिला के थोड़े से गुनगुने पानी में उसको पी लीजिए शाम में, ठीक है, एक वो होता है। फिर दूसरा एक ना ग्रीन स्मूदी होती है, क्या बोले दीदी? मतलब ग्रीन स्मूदी क्या है, अलग 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 जो आपको कच्चे पत्ते मिलते हैं, ठीक है, पालक के पत्ते हो गए, खीरा हो गया, सिर्फ पत्ते भी नहीं कच्ची हरी चीजें, पालक के पत्ते हो गए, खीरा हो गया, अगर आपके वहां तो एवोकाडो ये सब भी मिलता होगा उससे टेस्ट खीरा हो गया, पालक के पत्ते हो गए, सैलरी उधर अच्छी मिलती है, सैलरी हो गया आपका, एवोकाडो अगर मिलता है तो वो हो गया, वो सब नहीं मिलता, आंवला डाल दिया, ये सारी हरी चीजों को लीजिए, एक मिक्सी में लेके घुमा दीजिए बस, ठीक है, और उसको बिना छाने थोड़ा सा सुबह में पी जाइए, ठीक है, से भी थोड़ा, और फिर उसके एक डेढ़ घंटे बाद ही कुछ खाइए, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। और हाँ कार्बोहाइड्रेट तो थोड़ा ग्रेन कम करना होता है, मतलब कि आपका चावल रोटी कम खा के उसके बदले सब्जी दाल ज्यादा खाइए, स्प्राउट्स ये सब ज्यादा खाइए, फाइबर ज्यादा खाइए, फिर आटा नॉर्मल गेहूं के आटे के बदले रागी का आटा, राजगिरे का आटा, बाजरे का आटा, ज्वार का आटा, थोड़ा ये सब बदल बदल के खाइए, ठीक है दीदी। तो डाइट का और थोड़ा वेट लॉस तो देखिए करना ही पड़ता है शुगर में। ओके थैंक यू दीदी, थैंक यू। डॉक्टर हमारे यहाँ बेसिकली, हमारे यहाँ क्यों बोले, मेरे भी गैस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, और वो गैस जाके वो पीछे मेरे पर्सनली मेरे पीठ में अटैक करता है, वो पीठ में बहुत दर्द होती है। हाँ, और फिर वहाँ कोई दबाए तो फिर बहुत बर्प आती है, राइट। या यू नो वो एक बहुत अच्छी चीज होती है, इसको बोलते हैं CCFT, पता नहीं आपने सुनी है नहीं, CCFT नाम बहुत ही फैंसी नाम है, और ये बाहर अमेरिका ये सब में इतनी इतनी सी पैकेट आती है CCFT की, 3-4 हजार रुपए में बेचते हैं उसको, जबकि ये कुछ नहीं है, CCF होता है कोरिएंडर क्यूमिन फेनल, अपने वहां तो ये मतलब धनिया जीरा सौंफ, तो ये बाहर तो बहुत ही एग्जॉटिक स्पाइसेस हो गए, जैसे अपने यहाँ पे रोजमेरी ऑरिगेनो थाइम होता है, क्योंकि वो यहाँ इतने उगते नहीं, अब तो सब उगते, मैंने उगा रखा है रोजमेरी थाइम का पौधा, पर बाहर के लिए यही एग्जॉटिक है तो इसको बहुत बड़ा बना के बेचते हैं, पर असल में धनिया जीरा सौंफ इसकी चाय, तो बीज लेने होते हैं साबत बीज, ये आप पिसा हुआ नहीं ले सकते, थोड़ा सा, तो मैं क्या करती हूँ एक जैसे एक जार में एक बॉटल में धनिया के बीज, सौंफ के बीज और जीरा, इसको मिला के रख देते हैं, ठीक है, मिला के रख दिया,
उस मिक्स की, हाँ ये वही पी रहे हैं आप उसकी मिक्स की एक एक चम्मच को पानी में डाल के उसको उबाल दिया, फिर उसको पी लिया। पर ये सुबह सबसे ज्यादा फायदा करती है खाली पेट में। हाँ, धनिया जीरा सौंफ की चाय खाली पेट सुबह सबसे ज्यादा फायदा करती है, ये एक ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। खाने के बाद थोड़ा सौंफ खाना, उससे फर्क पड़ता है। ये सब थोड़ा कर सकते हैं। और खाने के टाइम को बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। सबसे ज्यादा गैस की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हमारा रोज खाने का टाइम अलग होता है। आज 10 बजे खाएंगे, अगले दिन 9 बजे खाएंगे, अगले दिन खाएंगे ही नहीं, या फिर कोई दिन बहुत ज्यादा खा लिया। वो नहीं करना चाहिए, खाने के टाइम को बनाए रखना बहुत जरूरी है। वरना पेट, हमारे शरीर ना एक बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलता है, फिर शरीर को समझ ही नहीं आता है कि पेट को एसिड कब निकालना है कब नहीं निकालना। एक दिन सुबह 8 बजे निकालता है, अगले दिन वो 8 बजे प्रिपेयर करके बैठता है, आपने उसको खाना ही नहीं दिया, फिर वो 9 बजे निकालता है, अगले दिन उसको 10 बजे देते हैं, अगले दिन फिर 8 बजे खाने लग जाते हैं। तो फिर वो क्या करता है, सब समय एसिड निकालता रहता है क्योंकि उसको पता नहीं खाना आएगा कब। तो अगर हमारा खाने का टाइम फिक्स हो तो बहुत फर्क पड़ जाता है इससे। डॉक्टर, एक जिज्ञासा और है। मैं बेसिकली ल्यूक को फॉलो करता हूँ और इसमें एक ड्राई फास्ट के बारे में वो बहुत महत्व देते हैं, इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप भी जानकारी। इंटरमिटेंट फास्टिंग इन जनरल बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो बोलते हैं कि आपका 12 घंटा मिनिमम 16 घंटा का विंडो को मानते हैं या 14-15, जैसे मैं पर्सनली भी 14-15 घंटे का विंडो फॉलो करती हूँ, उतने विंडो में कुछ खाते नहीं है। जैसे मतलब कि क्या, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग बोलते हैं। मतलब कि सपोज करिए कि आपने शाम को 7 बजे आखिरी मील खाई अपनी, आपने अपना डिनर रात का भोजन शाम के 7 बजे खत्म कर दिया, तो अगर आप सुबह अगला 9 बजे खाते हैं तो आपने 14 घंटे तक कुछ नहीं खाया, है ना। शाम के 7 से सुबह के 7 12 घंटे तो हो ही गए। आपने 9 बजे कुछ खाना या पीना चालू किया तो आपका 14 घंटा हो गया, कुछ नहीं मिला। तो उस समय क्या होता है, हमारे सारे अंगों को, हमारी अंतरियों को, हमारे यकृत को, हमारे पेट को, हर चीज को बहुत सारा विश्राम मिल जाता है और वो बहुत अच्छे से क्लेंज कर पाते हैं। तो इसमें पर दो थॉट्स है। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो बहुत अच्छा है, कई लोग बोलते हैं इसमें बीच में पानी ले सकते हैं, 0 कैलोरी रखना होता है, तो आप पानी या ग्रीन टी ले सकते हैं क्योंकि उसमें कैलोरी नहीं होते। कई लोगों का बोलना है नहीं कंप्लीटली ड्राई फास्ट करो, तो ये असल में गलत या सही नहीं है, ये बॉडी टाइप के हिसाब से होता है, आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी शरीर ड्राई फास्ट ले सकती है तो आप ड्राई करिए, अगर आपकी शरीर पानी मांगती है तो ले लेना चाहिए, क्योंकि वरना फिर डिहाइड्रेशन होकर शरीर में कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, तो वो देख के किया जाता है। और धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, सीधे 14 घंटे 16 घंटे पे नहीं जाना चाहिए। पहले आप 10 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, 10 कोई भी कर सकते हैं आप। रात में 8 बजे भी अगर खाए, 8:30 भी खाए, तो अगर आपने सुबह मतलब रात में 8 बजे खा के आप सुबह 6 बजे खा रहे तो भी 10 घंटे हो गए, समझ रहे हैं। तो 10 घंटे तो वैसे भी हो जाते हैं, तो 10-12 घंटे से चालू करिए, फिर 14 पे जाइए, 16 तक मेंटेन कर सकते हैं। उसमें भी कई लोगों का बोलना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को महीने में 2-3 बार तोड़ना चाहिए क्योंकि वरना गॉल स्टोन पाए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी स्टडीज है, आपको अपना थोड़ा बॉडी टाइप और ये सब होता है। पता है डाइट और ये सब में 1 shoe fits all वो नहीं होता है, सबके बॉडी टाइप सबके पैटर्न के हिसाब से थोड़ा अलग अलग हो ही जाता है। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूट्यूब में और लोग भी बोलते हैं कि थोड़ा अल्कालाइन फूड खाना चाहिए। हाँ, क्या ये सच है? सही है तो क्या कौन सा फूड अल्कालाइन हो सकता है? देखिए अल्कालाइन वो जो मैंने आपको एक ग्रीन स्मूदी बनाया, इसको प्राइम अल्कलाइजर अल्कजाइजर प्राइम बोलते हैं असल में। तो क्या होता है, हमारा शरीर का जो पीएच होता है ना, उसको थोड़ा अल्कलाइन मेंटेन करना चाहिए। हम जो भी खाते हैं करते हैं, यहाँ तक कि हमारा पानी भी काफी हद तक काफी एसिडिक हो जाता है। आजकल आप देखेंगे पानी में अल्कजाइजर एडेड आता है, या बोलते हैं आप कॉपर वेसल में पानी पीते हैं तो वो पानी को अल्कलाइन कर देता है। कॉपर यानी क्या बोलते हैं, कॉपर, तांबा, तांबा के कोई बर्तन में पानी रख के पीते हैं रात भर तो वो अल्कलाइन कर देता है। आपका चांदी के बर्तन अल्कलाइन कर देता है। फिर एक एक बहुत अच्छी सिंपलेस्ट अल्कलाइन रेसिपी है, एक ओजोनेटर्स भी आते हैं, पानी के ओजोनेटर आते हैं, वो भी इन्फ्लेमेशन हटाते हैं और अल्कलाइन कर देते हैं। एक एक्सट्रीमली सिंपल रेसिपी है, एक आप 1-2 लीटर का जग लीजिए
ये कांच के या स्टील के या प्लास्टिक के बर्तन में करना चाहिए, प्लास्टिक तो कौन यूज करता है, पर कांच और स्टील का, ये मेटल में मतलब आपके तांबे में चांदी में नहीं चलेगा, कांच का सबसे अच्छा है बर्तन लीजिए, उसको पानी से भर दीजिए रात में, और उसमें दो स्लाइस नींबू के डालिए, निचोड़ना नहीं है, स्क्वीज नहीं करना है, ऐसे ही डाल देना है, दो स्लाइस नींबू की और दो स्लाइस खीरा काकड़ी जो बोलते हैं क्यूकम्बर उसकी डालेंगे स्लाइस, और उसे ओवरनाइट छोड़ दीजिए, वो सुबह तक आपका पानी अल्कलाइन हो जाता है, फिर आप सुबह खाली पेट ये पीजिए। अभी एक चीज याद रखिए, पेट को एसिड चाहिए जब हम खाना खाते हैं, खाना को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड की जरूरत है, तो खाने के तुरंत पहले या खाने के तुरंत बाद कोई भी अल्कलाइन चीज नहीं लेनी चाहिए, अल्कलाइन चीज खाली पेट में लेनी चाहिए, क्योंकि वरना जब मेरा पेट को एसिड बनाना है उस समय हम अल्कलाइन डाल देंगे तो हमारा खाना पचेगा ही नहीं, तो खाली पेट में अल्कलाइन चीज लेनी होती है। सुबह अगर उठते ही हम एक दो घंटा अपना सिस्टम को अल्कलाइन रखते हैं, फिर धीरे धीरे एसिड आने देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आपका ये जो अल्कलाइन वाटर बोलते हैं इसको, आप पानी में रात में क्यूकम्बर और लेमन डाल के छोड़ दीजिए, वो ओवरनाइट पानी अल्कलाइन हो जाता है, फिर सुबह वो पानी पी लीजिए, तो वो एक बहुत बड़ा अल्कलाइन वाटर है। फिर उसके थोड़े समय बाद आप अल्कलाइजर प्राइम जो होता है आपका ग्रीन स्मूदी होता है वो ले लीजिए, फिर उसके बाद कुछ फल या कुछ खा के फिर आप अपना दिन शुरू करिए, जो खाना है उसके बाद खाइए, तो इससे ऑटोमेटिकली सिस्टम थोड़ा अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन होने से जो इन्फ्लेमेशन है शरीर का वो भी कम हो जाता है, तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अल्कलाइन पानी हॉट वॉट हॉट लेना है कि नॉर्मल 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 लेना है, टेम्परेचर हाँ ऑलवेज रूम टेम्परेचर। ओके थैंक यू डॉक्टर। बेसिकली आपने नींबू डालने बोला, बट नींबू खीरा का तो खीरा भी करता है, नींबू साथ में डालने से या कोई भी सिट्रस आपका इवन मौसमी की स्लाइस या पोमेलो की स्लाइस कोई भी डाल सकते हैं, पर वो तो डालने से बेटर रहता है, नींबू सबसे ज्यादा अल्कलाइन करता है, नींबू का यही है वो खुद एसिडिक है पर वो शरीर में जाके अल्कलाइन करता है, तो नींबू खीरा और साथ में थोड़ा पुदीना डाल सकते हैं, साथ में थोड़ा आप ऑरेंज के पीसेस डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, बट अदरवाइज। राजकुमार अंकल के ही सोते हैं उन्होंने, खाली पेट में एप्पल ले सकते हैं एम्प्टी स्टोमक में, एप्पल आपको सूट करने पे है, एम्प्टी स्टमक में फ्रूट सुबह में ले सकते, इवनिंग में नहीं लेना चाहिए, सनसेट सनडाउन 4 बजे के बाद फ्रूट्स खाना उतना अच्छा नहीं होता है, रात में सिर्फ एवोकाडो मैंगो और एक और है जो मैं नाम भूल गई, सिर्फ 3 ही फ्रूट्स खा सकते हैं बोलते हैं, पर बाकी फ्रूट सिर्फ सुबह ही चलते हैं अग्नि के हिसाब से, सूर्य की अग्नि के हिसाब से, क्योंकि उनमें सूर्य की ऊर्जा होती है, डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस से बनते हैं, डायरेक्ट सूर्य की ऊर्जा होती है, कोई भी कच्ची चीज हमें सूर्य के साथ ही खानी चाहिए, सूर्य ढलने के बाद खाते हैं तो पेट की अग्नि उसको ले नहीं पाती। जी दालचीनी का पानी हॉट वाटर लेना है कि ठंडे पानी लेना है? वार्म वाटर। थैंक यू दीदी। और एक्सक्यूज मी, एक और चीज मैं बता रही थी, क्या ही बोल रही थी, भूल गई, कुछ तो बोलने वाली थी मैं, हाँ ठीक है याद आएगा तो मैं बोलूंगी, हाँ बताइए। एक्सक्यूज मी। यस मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। हाँ। मैं सुबह गुनगुने पानी में एक जो रात को गुनगुने पानी में एक चाय चम्मच चिया सीड भिजा देता हूँ, उसमें डाल देते हैं और सुबह उसमें नींबू स्क्वीज करके माइल्ड वाटर हॉट वाटर में वो पीते हैं, उसमें क्या उससे कोई वो होता है कि नहीं? नहीं नहीं वो भी फायदा करता है, ले सकते हैं, एकदम ले सकते। चाय सीट बहुत अभी तो जो भी बोलता है सब चाय सीट खाओ बोलता है, चिया सीट उसमें कोई उसमें नींबू डालकर खाने से कुछ तो होता नहीं है डायबिटीज में? ले सकते हैं, चिया सीट का भी अपना फायदा तो होता ही है, लेकिन उसमें इंडाइजेशन पावर थोड़ा कम है हमारा थोड़ा इंडाइजेशन थोड़ा कम है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपका डाइजेशन उसमें तो देखिए बहुत सारा इनसोल्यूबल फाइबर होता है चिया सीड जो होती है ना, तो वो आपको क्या करता है कि बहुत समय तक बल्क अप रखता है और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, उसके लिए चिया सीड अच्छा है, हेल्दी फैट देता है वो, तो ऐसा उसका डायबिटीज का एज सच कोई रोल नहीं है। चिया सीड बोलते हैं कैल्शियम में रिच होता है, फाइबर में हाई होता है, तो बल्क अप देता है और गुड फैट देता है।
वो कोलेस्ट्रॉल ये सब नहीं होने देता क्योंकि गुड फैट है। ओके, तो चिया सीड का मेन रोल वो है, चिया सीड का मेन रोल डायबिटीज पर से नहीं है, तो आपको इनडाइजेशन में भी वो हेल्प ही करेगा क्योंकि स्टूल को बल्क अप होने देता है। ओके ओके थैंक यू। गुड देन एनीथिंग अरु कसै को केही जिज्ञासा छ? डॉक्टर साहब आपका कोई सेंटर है वहाँ जा पर वहाँ जाकर सीखने के लिए सेंटर कोई? हाँ हमारा तो बैंगलोर में है, वैसे तो नेपाल में भी शायद इसकी विंग है, मैं पता करूंगी, नेपाल में भी है, और वैसे तो हमारा बैंगलोर में बहुत बड़ा सेंटर है आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर। आर्ट ऑफ लिविंग को तो मैं जानता हूँ, आपका वही ट्रीटमेंट के लिए वही वही हम वही पे एक श्री तत्व पंचकर्मा बोल के है जहाँ पे मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, उसके लिए पहले बुक करना पड़ता है। थेरेपी डिपार्टमेंट है उसकी डायरेक्टर हूँ मैं। हाँ जी, उसके लिए पहले बुक करना पड़ता है? हाँ, एक दो दिन पहले भी बुक करने से हो जाता है। हाँ, पर पहले से कर लेना चाहिए, अगर हमारा ट्रैवल होता है तो पता चलता है। थैंक यू। तो वहाँ हम क्रेनियोसेक्रल थेरेपी, ऑस्टियोपैथी ये सब ट्रीटमेंट्स करते हैं। हाँ मैं आपको ये भेज देती हूँ यूट्यूब का लिंक मेरा। हाँ हाँ बताइए। ओ गिलोई, वो गुर्जो गिलोई जो है ना, वो डेली खाने से क्या है, उसका कुछ साइड इफेक्ट होता है कि नहीं? गिलोय नहीं, गिलोय तो बहुत अच्छा है, गिलोय शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। डेली खाने से किडनी में असर नहीं करता है? मुझे पता नहीं, मतलब ऐसा मैंने सुना नहीं है, पर गिलोय वैसे बहुत अच्छा होता है। हाँ मात्रा तो देखिए हर चीज की भी ठीक होनी चाहिए ना, कोई भी चीज की ज्यादा मात्रा अच्छी नहीं है, पर गिलोय वैसे अच्छा होता है। आप जो नीम गिलोय आता है उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ। गिलोय का भी अलग होता है, गिलोय का स्टेम का अलग होता है, गिलोय के पत्ते का अलग होता है, और उसको भी डायरेक्ट नहीं खाते, वो तो बोलते हैं उसका चाय बना के या उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर लिया जाता है। हाँ बहुत लॉन्ग रन नहीं लेना चाहिए, आपको बीच बीच में ब्रेक देना चाहिए। गिलोय लाठा जैसा वो घास में जाता है? समझ गए, नीम गिलोय बोलते हैं, लाठा जैसा दिखता है, करेक्ट। बहुत ज्यादा नहीं लेते, बीच में लीजिए, चार पांच दिन लिया फिर छोड़ दिया, दो तीन महीने बाद वापस चार पांच दिन ले लीजिए, छोड़ दीजिए, वैसे करना चाहिए। प्रकाश जी, आई थिंक आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मीन प्रकाश अंकल अनम्यूट गर्नु, सुनिएको छैन। हाँ अहिले सुनियो? ओके। मेरा वेट पहले आज से 3 साल आगे 94 केजी था, तो डॉक्टर ने बोला कि तेरा डायबिटीज कंट्रोल करना है तो तू वेट कम करना चाहिए, तो एक डायबिटिशियन ने उसने प्रिस्क्राइब किया, और उसने क्या बोला कि 60 ग्राम चावल सवेर में लंच के लिए तू ले सकते, तो शाम में कुछ भी नहीं लेना, कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना, दूसरा कोई भी खाओ, कर्ड खाओ, मिल्क खाओ, सब्जी खाओ, ऐसा बोला। तो मैंने ये फॉलो किया कि मेरा वेट अभी 14 किलो लेस हो गया, 80 केजी। अभी क्या है कि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ और 500 mg का मैं वो मेडिसिन जो है वो रेगुलर लेता हूँ, और मैं सवेर में 4 बजे उठता हूँ और 4:15 में मैं एप्पल हो या मैंगो हो मैं एक लेता हूँ और फ्रूट्स खाता हूँ, और उसके बाद योगा करके अब मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ। तो मैं शुगर भी खाता हूँ, चीनी के चाय भी पीता हूँ, खाना भी सवेर में लेता हूँ, और अभी तक मेरा कोई डायबिटीज का कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं है कि मेरा डायबिटीज बढ़ गया। तो इसलिए फ्रूट्स खाने से डायबिटीज बढ़ता है सवेर में खाने से, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता। नहीं बिल्कुल, मैं अभी भी मैंगो 1 पीस लेता हूँ सवेर में और फ्रूट्स भी लेता हूँ सुबह में। फ्रूट सनडाउन के बाद नहीं खाना चाहिए, यही बस मैंने बोला है। फ्रूट से डायबिटीज किसी को हुआ है आज तक कहीं नहीं है ऐसा। फ्रूट शुगर इंसुलिन के इंसान भी ले सकता है, फ्रुक्टोज किसी के लिए खराब नहीं है। जैसे मैंने बताया, जो भी हम फल खाते हैं उसमें सूर्य की ऊर्जा होती है,
तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बायो विटामिन, फाइटो एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग रेनबो डाइट लेना चाहिए, अलग अलग कलर के फल खाने चाहिए, सिर्फ एक ही कलर का नहीं खाना चाहिए। अलग अलग कलर का फल खाते हैं तो आपको सारे जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो मिलते हैं, तो वो तो खाना ही चाहिए। फ्रूट से डायबिटीज होता है ये मिसकंसेप्शन है, फ्रूट से किसी को डायबिटीज नहीं होता है। ओके थैंक यू। पर सन डाउन के बाद फ्रूट नहीं, रॉ कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और कसै को केही जिज्ञासा छ त्यसपछि हामी अब वहालाई केही छ और कसै को जिज्ञासा केही हो म यसो एकपल्ट एक दुईजना मेम्बरले चाहिँ आजको सेसन कस्तो के थियो मैं हिंदी में बोलूंगा तो बेटर रहेगा। मैं चाहूंगा कि एक या दो मेंबर्स अपने आज के इस सेशन के बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर दे कैसा लगा, ताकि डॉक्टर को पता चले कि हाउ इम्प्रेसिव और हमें कितना बेनिफिट हुआ इस सेशन से। कुमार दाई एंड सुरेश अंकल मैं रिक्वेस्ट करूंगा दो जन अपने व्यूज दे दे आज के सेशन के बारे में। सुरेश अंकल तब तक आप अपना व्यू दे दे। सुरेश अंकल भद्रपुरे धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज आपने जो ये सुंदर और सुनहरा अवसर रोटरी क्लब के मार्फत से आपने दिया और डॉक्टर साहिबा ने एकदम प्रैक्टिकल रूप से जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, कल और परसों जो वीडियो आया था उसमें तो हम सोच रहे थे कि उसमें ज़्यादा अंग्रेजी में बोलेंगी और हम लोग समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन एकदम व्यवहारिक रूप से और एकदम घरेलू हिसाब से इन्होंने जो बताया है ये हमारे जीवन के लिए एक अभूतपूर्व सहयोग बना है, इसके लिए मैं डॉक्टर साहिबा को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे अवसर आप अपने कार्यकाल में जुटाते रहें यही शुभकामना है। यह समय अत्यंत सुंदर रहा और हम लोगों के लिए आगे जीवन को और सहज बनाने के लिए लाभदायक होगा, यह मेरा विश्वास है। धन्यवाद। कुमार दाई, कुमार गिरी वैसे हमारे चार्टेड प्रेसिडेंट है डॉक्टर साहब। कुमार दाई का थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रखा है, तब तक मैं राजकुमार अंकल अगर है तो हेल्प कर सकती हूँ वैसे अनम्यूट के। नहीं नहीं वो उनका थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम है, तब तक राजकुमार अंकल अगर है तो छु तर कुमार दाईले दिए भइहाल्छ धेरै जना नबोलौ न। ओके कैन आई स्पीक नाउ? ओ यस यस ऑफ कोर्स। ओके आई एम गोइंग आउटसाइड बिकॉज़ यू नो दिस डबल साउंड इज कमिंग। ओके यू हैव टू एक्सक्यूज मी, आई एम जस्ट गोइंग टू लीव, आई एम जस्ट गोइंग टू मूव आउट। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? Yes, you are. Okay, thank you very much, Dr. Ankita. Your program today has, you know, given us a lot. What we've seen is there are so many things that we did not know. And we used to do things differently. We've tried so many things, all of us, to do it the right way. You've taught us, you've told us today. What you've done is you've come on the show, you've taken the time, and today, you know, we've realized that we've been doing certain things, though we should be, you know, the way we should be doing, we are not doing it that way. So that way, it's been a great help. So many things we did not know. For instance, I did not know that, you know, like in the evening, you shouldn't be eating fruits and your body, you should keep it alkaline for so much in the morning and things like that. So that way we've learned a lot. And of course, most of the people, we are all
middle-aged people out here, all of us. So it's been a very, very helpful for us. And thank you very much for it. Thanks. Thank you. Thank you so much for inviting me. It was great interacting with everyone. You know, very, very beautiful. I'm joining again. I'm shutting this down and joining again because again, the double sound will come. yeah, sure. Deepak Dai, would you like? Good evening. Good evening. It was a very for us from to learn small things, but it was very important for us to today. जो भी छोटे-छोटे चीज़ भी बताया आपने, सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन वो बहुत यूजफुल होगा हमारे लाइफ में. जैसे कान खींचने से या जीभ निकालने से या यहाँ पर ये करने से, ये सब देखने में बहुत मामूली चीज है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस आज हमको मालूम हो गया. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर. आई रियली हैड अ नाइस टाइम टुडे विद यू. थैंक यू. थैंक यू. सो डॉक्टर, वुड यू लाइक टू टेल एनीथिंग एल्स? No, no, that's it. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा इधर आके आप सबसे बात करके मिलके. ये फायदा एक ये पैंडेमिक से एक ही चीज फायदा हुआ है कि घर बैठे बैठे बहुत लोगों से मिलने का मौका हो गया है. पहले तो कि हाँ सामने ही कुछ इवेंट करेंगे, कौन अवेलेबल है, कौन आ सकता है. अभी ऑनलाइन के कारण सब आ भी जाते हैं, मिल जाते हैं सबको. ऐसा लग रहा है आप सबके साथ मैं भी उधर ही हूँ नेपाल में. तो अच्छा लग रहा है. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, इट वाज रियली नाइस. और आप सब कर रहे थे सब साथ में तो बहुत अच्छा लगा. मैंने लिंक डाला है वो वीडियोस की आप बात करते, इसमें काफी छोटी छोटी वीडियो डाली हुई है, मैं डालती रहती हूँ, तो आप देख सकते हैं. ये tinyurl.com/drankitadhilya, ये यूट्यूब के इसमें कुछ ना कुछ आते रहते हैं. तो काफी कुछ जो आपको बताया है, कुछ है कुछ नहीं है, तो आप देख सकते हैं उसमें वीडियो. It seems Babita Bauzu wants to say something. Yes. No, thank you. I just came out. No, it's okay. Thank you so much, doctor. We've learned so much from you. Thank you so much. Thank you. Me too. Thank you very much, Ankita doctor. मैंने मेरा life में ऐसा आपको जो आपने सिखाया ये first है. इनसे आगे मैंने ऐसा ये सिंपल थिंग कभी नहीं सुना था, कभी नहीं देखा था. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो फाइनली डॉक्टर साहब वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. आज आपने इतना समय दिया और भविष्य में भी आशा करेंगे कि सम अदर डे विल आल्सो मीट यू अगेन एंड मे बी नेक्स्ट टाइम विल मीट यू फिजिकली रादर देन ऑनलाइन. विल मीट यू फिजिकली सम डे. विल डेफिनेटली प्लान अ प्रोग्राम हियर इन बिरता मोड. And we'll have a bigger audience and bigger people, more people. Actually, it is sab kuch to sharing it. The more you share, it's a revolution for the world as well. So thank you very much for your time. And from all the members of the Rotary Club of Birta Mod, we once again thank you and looking forward for more of you. Thank you very much, doctor. Thank you. Bye. Okay. Bye. Thank you. Bye. Thank you, doctor. अनि हाम्रो प्रचण्ड ले गरेको ठिकै रहेछ नि त. प्रचण्ड ले गरेको. Shall we take a photo? Yes, sure. So we can all switch on our videos and take a picture. Someone can take a screenshot. I don't know how to take a screenshot. Taking a screen gallery shot. View and take a screenshot. मैं देखती हूँ. मैं फोन से ले लेती हूँ, मुझे वैसे तो आता नहीं. आप लोग वीडियो शुरू शुरू में लेने पड़ते हैं नहीं, इसके साथ डिलो है नहीं. Are you taking doctor? I've taken. I've also taken. I'll also send. Thank you. Thank you very much. Bye. Bye. Good night. Hopefully, see you soon, doctor. See you. Thank you, doctor. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Doctor. Bye.